हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो सारे? बढ़िया हो? खाना खुना खा लिया? मैं अभी अभी खाना खा कर आई हूँ और सौंफ खा रही हूँ, अजवाइन, क्योंकि सारा दिन बैठी रहती हूँ, खाना हजम नहीं होता, इसलिए सौंफ अजवाइन वगैरह खाती रहती हूँ, गुड़। और आज मैं थोड़ी लेट हो गई, अभी बनाते हैं एक गर्लिश डिज़ाइन। आज मुझे जो है ना इतना वो पोखा बोलते हैं ना, जैसे आप पता नहीं इस बात को मानते होंगे कि नहीं, मेरी मम्मी को स्वेटर बनाना बहुत अच्छा लगता था, और वो जो सारे दिन स्वेटर बनाती रहती थी, और 2015 में उनका हर्नियों का ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर से जो है ना कैंची लग गई, तो उनकी डेथ हो गई थी। मतलब वैसे वो काफ़ी यंग थे, अभी ऐसे 60 साल की एज थी उनकी। तो पर मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है, उनको ना मेरा पोखा बहुत अच्छा लगता था, जब भी मैं इधर उधर उतनी ना तभी वो स्वेटर बनाना शुरू करती थी। उसी तरह आज कोई हमारे घर पे आया, मैंने ये शुरू किया सूट, तो कभी इधर फूल गलत हो जाए मुझसे थोड़ा सा, कभी इधर हो जाए, तो मुझे लगा भगवान जी ठीक हो जाइए। तो फिर अब मैं थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही, और अब मैंने थोड़ा सा कमल जो है थोड़ा ड्राइंग कर लिया है, ये देखो फिर सीधा ब्रश से बना रही थी, ये देखो मैंने थोड़ा थोड़ा चॉक से आइडिया लगा लिया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कभी कभी मैं भी पुराने वो विचारों को मानने लग जाती हूँ कि हाँ, ये देखो अब ये कमल का फूल है ना, ये देखो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर लिया, मैंने सोचा कभी खराब ना हो जाए। अब मैं व्हाइट कलर ले रही हूँ, इस तरह से देखते जाओ आप। अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाना चाहते हैं ना तो वो भी लगा सकते हैं, मैं पानी लगा रही हूँ फटाफट। पानी से क्या है, कलर ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करता कपड़ा, ये जो है ना वो कौन सा रामटेक्स का ये गीजा कॉटन कपड़ा है, ये पानी बहुत ऑब्जर्व करता है ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा लिया, अब मैं कलर यूज़ करूँगी। ठीक है, इसमें ना शेडिंग वर्क है ज्यादा, बस ये व्हाइट कलर पूरा पूरा यहां तक नहीं लेके जाना, बस यहीं छोड़ देना है। डार्क कलर पर तो हल्का हल्का पानी लगा ही लेना चाहिए, और जो कपड़ा सोखता हो ना मैं सामने वाली लाइट जगाना भूल गई, हल्की सी रोशनी मोबाइल में आपको कम दिखेगी, या मैं बेटे को आवाज़ लगाती हूँ वो चला देगा तो थोड़ा हो जाएगी। इस तरह से फूल बनाएंगे,
चांद बेटे चांद मैं खुद ही जग चलाती हूँ, वो बाहर आवाज नहीं जा रही होगी, रूम बंद है ना। एक मिनट, बस इस तरह से पानी लगाया और वाइट की शेडिंग करेंगे। ठीक है, एक बार और वाइट करेंगे कहीं कहीं, वो बाद में फाइनल टच में। अभी हमने जितना वाइट इसमें करना था वो कर लिया। अब मैं ब्रश को धो रही हूँ। अब मैंने ब्लू कलर लिया है और उससे शेडिंग करूंगी। पर हर चीज़ में ना हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। जैसे पहले मैं नेगेटिव सोच रही थी ना, भी उसका मुझे बोखा आया और मेरा फूल गलत हो गया ऊपर, पर उसका भी एक फायदा हो गया ना। तब मैंने पानी नहीं लगाया था, फटाफट ऐसे कर रही थी, तो अब उससे मुझे ये तो ज्ञान हो गया ना कि भी एक थोड़ा पानी लगा के करना था। पहले मैंने जल्दी में ही ऐसे कर दिया। डार्क है ना ये कलर सूट का, तो हर कपड़े पर, सूट पर, कलर पर, कोई डिजाइन की अलग अलग वो हो जाती है ना। इस तरह से मिक्सिंग कर देंगे। एक बार तो व्हाइट कलर बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा। धीरे धीरे कपड़े में ही हो जाएगा वो। यहां पर मैं व्हाइट कलर करना भूल गई थी, तो मैंने अब इसको ऐसे मिक्स कर दिया। जहां जहां ब्लू रह रहा है ना, हर जगह करते जाएंगे। अब इसको मैंने वॉश कर लिया है ब्रश को, मिक्सिंग कर देंगे इसकी। अब जहां जहां ब्लू कलर लगाया है वो भी एक बार और लगेगा, और जो व्हाइट कलर है वो भी एक बार और लगेगा, क्योंकि ये डार्क सूट है ना,
इसलिए अब जो है इसका जो ऊपर ये पत्ता बनाना है ना, उसमें हल्का हल्का उसको गीला कर रही हूं मैं, ताकि मिक्सिंग करते वक्त ये अभी एक बार हम इसको स्ट्रोक करेंगे, क्योंकि पानी लगाया ना नीचे इसलिए वो धीरे धीरे सूखेगा। मैं लाइट से शुरू कर रही हूँ, लाइट शेड से। पहले मैंने यहां सारी लाइट शेड कर दूंगी, ये देखो यहां लाइट शेड कर दी। ठीक है, अब जो बाकी की जगह है उसमें हम रेड कलर और कहीं कहीं पर मेहरून कलर करेंगे। मेहरून कलर बनाने के लिए पहले मैंने ये रेड में व्हाइट मिलाया है, ठीक है, ओके। अब मैं मेहरून कलर बनाने के लिए डार्क ग्रीन मिलाऊंगी, क्योंकि हमने डार्क मेहरून बनाना है ना, क्योंकि थोड़ा मेहरून तो इसमें दिखेगा ही सूट पर। ये देखो अब ये पत्ता आपको लग रहा है ना कि ये दोनों साइड से ऐसे मुड़ा हुआ है, लेकिन अभी गीला है, इसका फाइनल टच जैसे ही करेंगे तो ये बिल्कुल असली बन जाएगा। अब ये भी हो गया हमारे सामने, अब इसको देखते हैं, हल्का सा सूख गया है तो इस पर व्हाइट कलर कर देंगे, नहीं तो अभी रुक कर करेंगे। इतने में एक छोटी सी कली बना लेते हैं यहाँ, और यहाँ पर एक छोटा सा ये जो पत्ता है वो बना लेते हैं। तभी मैंने आपको पूछा था खाना वगैरह खा लिया, ताकि अब आप बीच में से उठना मत और वीडियो देखो। दस बज चुके हैं, ट्रेन की आवाज आपको सुन रही होगी थोड़ी थोड़ी, हमारा बिल्कुल रेलवे जो है स्टेशन उसके पास घर है और आवाज आती रहती है। ये देखो ये डिजाइन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। समझ लो जो डिजाइन आपको डार्क कलर के सूट पर करने में आनंद आ रहा है ना, अति आनंद आ रहा है, इट मीन्स वो बहुत प्यारा डिजाइन है मेरी नजर में। क्योंकि डार्क कलर के सूट पर मैं अक जाती हूँ कि
बार बार कलर करके, और वो उठता नहीं। कई बार डिजाइन, कई बार थोड़ा हार्डनेस आ जाती है कभी कुछ। और ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल गर्लिश डिजाइन लगा है। बेसिकली डार्क सूट के लिए तो बहुत बढ़िया डिजाइन है ये। बिल्कुल कलर से मिलता जुलता अगर डिजाइन बनाए ना अगर हम, तो वो ऐसे बन जाता है जैसे प्रिंट हो। ये खास बात है। पूरा नीचे तक व्हाइट नहीं लेते जाना, बस ऊपर ऊपर ऐसे एक बार दोबारा करना जरूर है, क्योंकि पहला जो अगर हम करते हैं ना और पानी लगा के किया था तो वो तो दिखता ही नहीं है बाद में। धीरे 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 धीरे, चाहे तो ये वाला ब्रश ले लो चाहे फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश से ऐसे शेडिंग बहुत अच्छे से होती है। देखो मैं आपको बहुत ही ज्यादा पहले खुद बना के देखती हूँ, कोई भी नया फूल हो, कोई भी नई टेक्निक हो। अब जैसे मैंने पहले बनाया, पानी नहीं लगाया, और वो थोड़ी सी मतलब उसमें फिनिशिंग नहीं आई, बढ़िया नहीं बना। पहले एक छोटा सा मैंने बना के देखा, फिर मैं दोबारा जो कोई तजुर्बा होता है अपना वो बताती हूँ। बहुत बारीकी से देखा करो वीडियो को। लाइक अभी लाइक नहीं किया, अभी लाइक करो सारे, अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो मेरी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहा करो, जिससे कि मेरे व्यू ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी वीडियो और मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, और ये सब आपकी वजह से ही होगा। आज मेरी वीडियो चढ़ाई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अभी वीडियो चढ़ा रही थी, मैंने खुद अभी लाइक अपनी वीडियो पे नहीं किया था, और वीडियो पे मैं टाइटल लिख रही थी, धीरे धीरे चढ़ा रही थी, तो देखा मैंने फटाफट एक कमेंट भी आ गया और लाइक भी। बड़ी खुशी हुई मुझे भी, मैंने अभी खुद तो लाइक नहीं किया लेकिन किसी ने देखो अभी वीडियो डाली ही है, देखी भी नहीं पहले लाइक कर दिया और कमेंट किया हुआ था उन्होंने, नाम भूल गई मैं, क्योंकि मुझे लगता है बस शायद पहली बार ही कमेंट किया उन्होंने। मतलब जो ये नीचे रेड रेड है ना वो थोड़ा छोड़ना है, खाली व्हाइट ज्यादा करना है। बस ये है कि थोड़ा अगर हम चीज में ओरिजिनलिटी लाएं, सफाई लाएं, थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो अभी ये इसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, मैं आपको देखती हूँ अगर लिप सूख गई है तो वो बता देती हूँ। मतलब टेक्निक आपको सारी बता दी है मैंने, बस जैसे जैसे मैंने पहले वाइट कलर दोबारा किया था इसी तरह से अब ब्लू दोबारा करते जाएंगे, और इस तरह उसको मिक्सिंग करते जाएंगे। बस डबल कोट करना है, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी इसकी सिर्फ आउटलाइन करनी है, और जहां जहां थोड़ा लाइट हो गया वहां लाइट कलर जो है सूख गया वहां लाइट कलर एक बार फिर जब तक मतलब करते रहना है, जब तक आपको लगे कि हाँ
एक कपड़ा इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, सूख गया है मतलब। ये देखो अब मैं इस पे आउटलाइन करूंगी, ये जो एक बना रखी है बस उसी तरह ही इस पर आउटलाइन करनी है। ब्लैक कलर की ना आउटलाइन कर लो या आउटलाइनर से कर लो। अब आउटलाइनर इस टाइम जो है ना मेरा वो सही से काम नहीं कर रहा, चल नहीं रहा, तो हम ब्लैक कलर लेंगे और उससे पतले पतले आउटलाइन कर लेंगे। बस ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, या गोल्डन कलर ले लेंगे उससे भी कर सकते हैं। इस तरह से देखो ये मैंने अभी भी नया ब्रश लगाया है कल, तो नया ब्रश जो है ना वो जल्दी जल्दी काम करता है। वैसे ये आउटलाइनर की बजाय ये ब्लैक जो है ब्रश से ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्रश से हम जैसे जैसे इसको नीचे ले जाएंगे इसको पतला करते जाएंगे ना, आउटलाइनर तो इक्वल ही चलेगा। फिर इसको इस तरह से जितना हो सके इसको ऐसे फिल करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर सूख गया हो मान लो, करके देखते हैं, इस तरह से अगर गीला हो तो रहने देना अभी, क्योंकि फैल जाएगा फिर। बस इसी तरह से ये होता जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो ये बता रही हूँ मैं आपको, जो भी गर्लिश डिजाइन होते हैं ना वो ज्यादातर आउटलाइन वाले होते हैं। जैसे मैं ये आउटलाइन कर रही हूँ ना, तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं।
ठीक है। इसको अभी थोड़ा थोड़ा और कहीं कहीं टच करेंगे। अब येलो कलर लेंगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहाँ गया, मिल गया। अब मैं येलो कलर लूंगी और उससे यहाँ पर इस तरह से ब्रश, मैंने जल्दी जल्दी में ना अच्छे से नहीं धोया, मुझे लगा वीडियो लंबी ना बन जाए, तो ये पीले में थोड़ा सा ब्लैक भी साथ साथ चल रहा है। ये जो डॉट मैं लगा रही हूँ ये आपकी मर्जी है, व्हाइट से भी लगा सकते हो और येलो से भी। ठीक है, एक बार मैं इसको बंद करती हूँ। अब यहाँ पर ना ये बार बार मेरे से गिर जाता है नीचे, सॉरी। ये देखो अब यहाँ पर सारे में डॉट लगा देंगे। बीच में जो ना ये वाइट की भी ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब ये जो सारा फूल बनाया है ना, इस सारे की आउटलाइन करनी जरूरी है बार बार। इसको बार बार पोंछ पोंछ के चलाना पड़ता है ताकि आउटलाइन पतली पतली हो। ये देखो ये देखो थोड़ा थोड़ा आउटलाइन करने से बढ़िया हो गया।
देखो इस तरह से आप जितना भी इसको अच्छा बनाते जाओगे उसी तरह से ये अच्छा बनता जाएगा, वो आपके ऊपर है। पर गर्लिश डिज़ाइन में इस तरह से आउटलाइन अच्छी लगती है। इस तरह से मैं ये सारा ये इस पर भी कर दूंगी, इधर भी कर दूंगी, सारी जगह। तो ओके फ्रेंड्स, ये देखो अभी मैंने 2-3 सूट ही बनाए हैं और अभी दुपट्टा कोई बनाना नहीं, सारे सूट ही बनाने हैं बिना दुपट्टे वाले। ओके बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।